कक्षा 12वीं आज हम डी ब्लॉक के तत्व का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं एनसीईआरटी कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम 2021-22 से संबंधित टॉपिक है। डी ब्लॉक एलिमेंट करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें से पहला करैक्टर्स है भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण। भौतिक अवस्था तथा धात्विक गुण, फिजिकल स्टेट एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज। नंबर ए, मरकरी को छोड़कर मरकरी का फार्मूला, मरकरी का संकेत है Hg। मरकरी को छोड़कर सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ठोस, कठोर और भारी होते हैं। किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सभी ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भारी होते हैं। सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं। सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं। संक्रमण धातुओं में एक विशेष प्रकार के बॉन्ड पाया जाता है। संक्रमण धातुओं में एक विशेष प्रकार के बॉन्ड पाया जाता है जिसे मेटालिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रॉपर्टीज है परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं। अगली प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक के तत्वों की अगली प्रॉपर्टीज है परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जैसे 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 परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या का मान कम होते जाते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान कम होते जाते हैं। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडी, वैसे वैसे डिक्रीज होगा। कारण नाभिकीय आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है जिससे त्रिज्या कम हो जाती है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है जिससे त्रिज्या कम हो जाती है जिससे त्रिज्या कम हो जाती है। अगला प्रॉपर्टीज है गलनांक। डी ब्लॉक के तत्वों की गलनांक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। क्योंकि सभी एलिमेंट्स मेटल होते हैं, डी ब्लॉक में टंगस्टन जिसका संकेत W है, का गलनांक सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट्स है कौतनांक। अगला प्रॉपर्टी से डी ब्लॉक के तत्वों का कौतनांक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कौतनांक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कौतनांक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कौतनांक
क्वथनांक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है क्योंकि इनके एटम्स आपस में स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इनके इलेक्ट्रॉन इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, अतः इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फेरस का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 होता है। चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश किया, अतः यह डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। स्कैंडिनियम परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश किया, अतः स्कैंडिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश किया, अतः इस टाइटेनियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1-2, कॉमा n-1 × d1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। संक्रमण तत्वों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज। संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच संक्रमित होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। चूँकि एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बीच में संक्रमित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। धन्यवाद।